अच्छे से सफाई कर देंगे। क्या है ना, मेरी छोटी जो बच्ची है ना आयरा, वो रात को कर देती है पेशाब, पेशाब कर देती है तो उसको सफाई करना पड़ता है। तो सफाई कर देते हैं, और इसको अभी घिसने में मेहनत नहीं लग रहा है, जब इसको हम धोएंगे पानी से तो वज़न हो जाता है, कि वो वज़न हो जाएगा तो धोने में मेहनत लगेगा ज़्यादा, साफ़ करने में। तो फिलहाल तो अभी हम लोग इसको ब्रश से मार दे रहे हैं। मेहनत लग रहा है धोने में, मेहनत लग रहा है। हाँ तो मेहनत लग रहा है तो साफ हो जाएगा ना। इसको बोलते हैं गलीचा, ये है गलीचा, समझ रहे हैं। ये गलीचा हमको मिला है फ्री में, हम पैसे से खरीदे नहीं हैं। ये हमारे ससुर हैं ना, उन्होंने गलीचे का कारोबार करते हैं, तो वहीं से लाया था। मैं लाया भी नहीं था, मेरे ससुर खुद पहुंचा दिए थे। चार गलीचा लाए थे, दो रखा हुआ है और दो यूज करने के लिए निकाला है। ये हैंड पाइप है, और हैंड पाइप को हम चलाएंगे, उसके बाद पानी निकलेगा, फिर उसके बाद हम तो साफ कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कितना वजन हो गया है, बहुत वजन हो गया है, और इसके अंदर कचरा भी निकल रहा है। बेड है ना, उसके ऊपर हमेशा ये बिछाया रहता है ना, तो कोई भी आता है चढ़ता है तो पैर में मिट्टी वगैरह लगा रहता है, तो गंदा होते रहता है। तो कितना कचरा निकल रहा है यार, कितने महीना धो रही हो, कितने महीना बाद, 2 महीना हो गया होगा। हाँ 2 महीने से ज्यादा हो गया, 1 महीना। 1 महीना, 1 महीने इसको पहले, 1 महीने पहले धोया था और फिर आज सफाई हो रहा है इसको। ये देख रहे कितना वजन हो गया है, इसको 2 जन को पकड़ना पड़ता है। एक्चुअली क्या है ना कि ये अगर पोखरा रहता ना तो वहां पर धोने में काफी अच्छा रहता है, दिक्कत नहीं होती है, और ये छोटा सा टफ है इसमें दिक्कतें होती हैं। चलो पानी चलो, और ये इतना वजन हो गया है ना, ये टब भी टूट सकता है। कितना कचरा निकल रहा है देखो, कितना कचरा है, बहुत कचरा है। ये मेरी माँ देख रहे हैं चिड़िया पकड़ के लाई है कहीं से, और दिखा रही है कि देखो ये मैं चिड़िया लाई हूँ। उड़ाते हैं, चलो उड़ा देते हैं ये, जा उड़ जा जा। देख रहे हैं किस तरह से हम जुगाड़ कर करके इसको हम साफ कर रहे हैं। ये गलीचा बड़ा होता है ना, तो इसके लिए छोटे जगह में धोना इसको बहुत मुश्किल होता है। अगर ये पोखरा वगैरह रहता ना तो वहाँ पे धोने के लिए दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ से डालो, इधर आ जाओ, यहाँ से डालो। ये गलीचा तो साफ हो गया दोस्तों, अब खटिया को साफ करेंगे। ये चारपाई है ना, इसमें क्या है ना, क्या मालूम क्या चीज़ का कलर लग गया है, और देखने में बहुत ख़राब लगता है, तो इसको भी साफ कर लेते हैं। पीछे देख रहे हैं बीएमसी का पानी आ रहा है, बीएमसी का पानी आ रहा है। भाई कैमरा मैन बीएमसी का पानी दिखाइए ज़रा। देख रहे हैं ये बीएमसी का पानी हमारी इधर आता है, और हमारे गांव में जितने भी घर हैं ना, सब लोगों के घरों में बीएमसी का ये ऐसा नल लगा हुआ है। ये बीएमसी का जो पानी आता है 10:30 बजे आता है, और 1 घंटा करीब रहता है, उसके बाद पानी बंद हो जाता है। तो हम खटिया को भी साफ़ करेंगे। यहाँ पे कलर लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे कलर है, यहाँ पे कलर है, यहाँ पे कलर है, क्या मालूम कलर कैसा लग गया है, समझ में नहीं आ रहा है। ये बच्चे लोग लगा दिए होंगे। आयरा
हटो बेटा हटो 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 हटो, मम्मी सोडा डाल रही है ना, सरफ डाल रही है ना, क्या मालूम कलर कहाँ से लग जाता है इसमें। कलर किस में लगाया था, कौन लगाया था कलर, कलर कौन लगाया था? आयरा तुम कलर लगाई थी यहाँ पे, कलर खड़िया पे कलर लगाया ना। गिर जाओगी गिर जाओगी, गिर जाओ, हटो हटो, साफ करने दो बेटा, हटो। नहीं करूँ क्यों, अच्छा नहीं लगता है ना, कोई आके बैठेगा कलर लगा रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है ना बेटा, गंदा लगेगा ना, लोग बोलेंगे कि देखो कलर लगा के रखे हैं, खटिया को साफ भी नहीं किया। हटो, बहुत मस्ती करती हो तुम, बहुत मस्ती करती हो, हटो हटो हटो, जाओ मम्मी के पास जाओ, उधर आओ, हटो हटो, उधर जाओ, बैठो बैठो, नल लगने की वजह से बहुत सुविधा हो गया है। ये क्या, ये क्या, होली है, होली है, हाँ। तो अरे अरे ये क्या, ये क्या ऐसे, हो गल ना, चलो उठो, उठोगे तो मैं पूरा पानी मारूंगा ना यहाँ पे, फिर अब क्या करना है, अब नहाना है धोना है, उसके बाद मैं नहाऊंगा और ये हमारी बेगम साहिबा जो हैं ये जाएंगी खाना बनाएंगी, दोपहर को खाना बनाती हैं, गरम गरम खाना बनाएंगी, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे, ठीक है।